चलिए दोस्तों, आज सवाल लेते हैं फिर से। सवाल नंबर पहला है कि निम्न में कौन भाज्य संख्या है? कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 5, बी में है 7, सी में है 9, डी में है NOT, नॉट नॉट यानी कि कोई नहीं। कौन भाज्य संख्या है आपको बताना है, ठीक है। सवाल नंबर दो है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपको ए 5, बी 12, सी 14, डी NOT, नॉट यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको सवाल का जवाब बढ़िया से और देख के देना है कि इसका सही आंसर क्या है। अब अगला प्रश्न लेते हैं, सवाल नंबर 3 है। बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको बढ़िया टाइम देना है और सवाल का जवाब देना है बस। सवाल नंबर तीन में ये कौन, देखते, भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन एक दिन आई भाज्य संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर में ए देते हैं 13, बी में है 17, सी में है 19, और डी में क्या है, डी का ऑप्शन दे देते हैं सभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर में ए देते हैं 13, बी में है 27, सी में है 39, और डी में है 45, ठीक है। डी में क्या होगा, 45। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन नहीं है। अब सवाल नंबर आगे लेते हैं, सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 लेते हैं, चलिए। बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ आपको लगातार 30 दिन तक सवाल का जवाब देना है। सवाल नंबर 5 है, सरल करे निम्न को, सरल करे, ठीक है। जैसे a+b - a - b क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए है, क्या होगा, a² + b²। ऑप्शन नंबर में बी होगा, a - b, ठीक है, a - b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी में हो जाएगा 2b हो जाएगा, और डी में क्या हो जाएगा, NOT, नॉट, नॉट मतलब कोई नहीं। सवाल नंबर 6 लेते हैं। सवाल नंबर 6 है, a² - b² किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर में ए देते हैं a+b * a - b, ठीक है। बी में a+b² सी में दोनों के बराबर, और डी में किसी के बराबर नहीं, यानी कि NOT, नॉट, ठीक है। अब सवाल नंबर 7 लेते हैं। सवाल नंबर 7 बहुत आसान सा सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 7 है निम्न किसके बराबर है? निम्न किसके
इसके बराबर है, इसके बराबर है ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर में ए देते हैं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। ऑप्शन नंबर सी में है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी। ऑप्शन नंबर डी है, NOT, नॉट नॉट यानी कि कोई नहीं। ठीक है, अब सवाल नंबर आठ लेते हैं। सवाल नंबर आठ है कि 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर किसके बराबर है, किसके किसके बराबर है, किसके बराबर बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? ऑप्शन है ए 17 के बराबर, ठीक है, बी में 18 के बराबर, सी में 19 के बराबर और डी में NOT, यानी कि किसी के बराबर नहीं। ठीक है, अब सवाल नंबर 9 लेते हैं। सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 9 लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, कौन सम संख्या है, कौन सम संख्या है, कौन सम संख्या है। ठीक है, कौन सम संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 27 माइनस 5, बी 27 माइनस 5, बी बी 26 माइनस 3, सी 23 प्लस 23 प्लस 4 और डी में हो जाएगा NOT, नॉट नॉट यानी कि कोई नहीं। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 लेते हैं। सवाल नंबर 10 में है, कौन विषम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन विषम संख्या है। ठीक है, सवाल इसका ऑप्शन नंबर ए है, कौन विषम संख्या है इसका, जैसे 17 माइनस 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12 माइनस 12, ऑप्शन नंबर सी 13 माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी में है NOT, नॉट नॉट यानी कोई नहीं। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 11 लेते हैं। तब तक आप सवाल नंबर 11 जो है मेरा दूसरा चैनल @MasterAmitKumar चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, और 11 से 20 तक जो है मास्टर अमित कुमार चैनल पर अपलोड करेंगे और 1 से लेकर 10 तक @BiharSanskrit चैनल यानी कि इसी चैनल पर अपलोड होगा। आप लोग लगातार बने रहिए और सवाल का जवाब दीजिए। हम 11 नंबर का सवाल लेते हैं। ठीक है,